नमस्ते दोस्तों, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्बल में आप गन फिट कैसे निकाल सकते हैं, और अगर आप मार्बल को गन फिट में लेते हैं तो क्या बेनिफिट है, और इंच मेजरमेंट में लेते हैं तो भी क्या बेनिफिट है। ये इस वीडियो में यही थम्स अप चेक करेंगे और देखेंगे। जैसा कि सबसे पहले आपको लेनी है लंबाई, लंबाई आ रही आपकी 73 इंच। सबसे पहले गन फिट का जो मेजरमेंट निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं, और ये 48 इंच, और उसके बाद में जितने भी स्लैब हैं वो स्लैब काउंट होंगे। बाकी का काम मैं सब आपको पेपर में समझाऊंगा कि मार्बल को गन फिट में लें या फिट में लें किस में ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये 178 कहाँ से आए वो भी मैं बता दूंगा आपको। 73 इसकी लंबाई है, 88 इसमें पीस है, और 48 इसकी चौड़ाई है। चलिए अब मैं आपको पेपर पर समझा देता हूँ, चालू करते हैं अपना वीडियो। मार्बल को आप गन पिट में नाप कैसे लेंगे। सबसे पहले आप मार्बल लिख लीजिए, लंबाई चौड़ाई और मार्बल के जो भी पीस है वो तीन चीज़ मिला के आपका गन पिट बनेगा। तो लंबाई थी अपनी 73 इंच, चौड़ाई थी 48 इंच, और मार्बल के जो पीस थे वो 88 पीस थे। इन तीनों को आप गुणा करेंगे तो आपको ये संख्या मिलेगी। अब उसमें आपको क्या करना है, 1728 का आपको भाग देना है। तो ये 1728 कहाँ से आए वो भी बताता हूँ मैं आपको। ये टोटल आपका गन फिट बन गया 178.44। और अगर आप गन फिट में मार्बल लेंगे या इंच में मेजरमेंट लेंगे किस में बेनिफिट मिलेगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ 1728 कहाँ से आए। ये 1728 अपन किसी भी तीन चीज़ का आप निकालते हैं गन फिट, तो एक फिट, तो हमने जो ये मेजरमेंट ले रखा है वो इंच में ले रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ इंच कर रहे हैं, 12 इंच 12 इंच 12 इंच। तो इन तीन चीज़ का मिला के हमारा गन फिट बन रहा है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये 12 इंटू 12 इंटू 12 ये इंच है, ये 1728 इंच आए, सॉरी 1728 आपका ये जो फॉर्मूला लगाया था वो ये आए थे, इसीलिए इसका हम ये भाग दिया। अब इसमें आपको अगर कोई बोल दे आपको, जैसे मार्बल लिख दिया 178.44 गन फिट, आपको किसने बोल दिया रेट इसकी 400 रुपये गन फिट, और इसका अमाउंट ये निकल रहा है 71,376 रुपये इसकी निकला। तो अब आपको मान लीजिए आप दिमाग में सोचेंगे कि अगर मेरे को फिट में लेना तो मेरे को क्या रेंज में वो फिट की रेट आएगी, वो मैं आपको देसी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आपको जितना भी रिकवरी बैठेगी वो बता रहा हूँ। बाकी अगर फॉर्मूले से बताऊँगा तो वहाँ पे मैं थोड़ा गलत हो जाऊँगा, क्योंकि जो मार्बल का जो गन फिट निकलता है वो लंबाई चौड़ाई और स्लेब नंबर से निकलता है। तो जैसे देखिए अगर आप इंच में इसको मेजरमेंट लेते हैं तो 73 इंच और 48 इंच इन दोनों का गुणा किया तो 3504 ये आया, और इसमें आप 144 का भाग देंगे। ये 144 कहाँ से आया, हम 12 इंटू 12 से गुणा करेंगे तो आपको 144 आएगा, और आपका ये फिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 24.33 आ गया। कितने स्लैब थे, 88 स्लैब थे, तो अगर हम फिट में निकालने जाते हैं तो 2141 फिट आता है। अब मैं इसमें आपको फॉर्मूला वाला सिस्टम नहीं बताऊंगा, और आपको इतना एडवांस दिमाग बता दूंगा इसमें कि आप एक ही मिनट में निकाल देंगे। जैसे आप मार्बल लेने गए, किसी ने बोल दिया कि इसकी रेट 500 रुपये गन फिट, तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें एक डिजिट कम कर देना, 10 का भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा, और एक डिजिट कम कर देंगे तो फिट की क्या रेट है, 50 फीट रिकवरी एरिया स्क्वायर फीट का आएगा आपका, 50 फीट आपका वो रेट पड़ेगी एक फीट की। किसी ने बोल दिया 300 रुपये, 300 में 10 का भाग दे दिया तो 30 रुपये फीट ये मार्बल बढ़ रहा है। अगर आप फॉर्मूले से निकालने जाओगे तो ये आपको जो 50 वाला है वो लगभग 47-48 रुपये में इसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप अपने घर के लिए मटेरियल खरीदते हैं तो आप इंच मेजरमेंट से ही खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंच मेजरमेंट में क्या है, आप हर एक स्लेब को देख सकेंगे, और अगर कोई पत्थर उसमें क्रैक है तो उसका मेजरमेंट लेस हो जाएगा, गन फिट में ऐसा मेजरमेंट लेस होगा नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो।
अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।